नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का गत रात्रि हुआ निधन। पार्टी ऑफिस चंडीगढ़ से निकाली गई अंतिम यात्रा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी श्रद्धांजलि। फरीदकोट में कुछ नौजवानों ने रेहड़ा चालक से हेरोइन खरीदने के लिए मांगी फिरौती, पुलिस ने दो नौजवानों को किया काबू। और अब हलचल विस्तार से। पंजाब के 5 बार मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल का मंगलवार 25 अप्रैल को मोहाली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। 95 वर्ष की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। पंजाब के बठिंडा जिले के बादल गांव के सरपंच बनने के साथ प्रकाश सिंह बादल के राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई थी। 1927 में जन्मे प्रकाश सिंह बादल ने अपनी सियासी पारी उसी साल शुरू की थी जब देश आज़ाद हुआ था। इसके बाद वह पंजाब के 5 बार मुख्यमंत्री बने। वे एक ऐसे जननेता थे जिन्होंने 1969 से 1992 तक किसी भी विधानसभा चुनाव में हार का मुंह तक नहीं देखा था। इसके बाद 1992 में उन्होंने खुद ही चुनाव ना लड़ने का ऐलान कर दिया था। स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल के नाम 3 रिकॉर्ड दर्ज है, जिनमें सबसे छोटी उम्र में सरपंच बनना, सबसे छोटी उम्र 48 वर्ष में मुख्यमंत्री बनना और सबसे बड़ी उम्र के CM बनने का रिकॉर्ड दर्ज है। प्रकाश सिंह बादल 5 बार पंजाब के CM रहे। बादल के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह, राजनाथ सिंह, राहुल गांधी, योगी आदित्यनाथ, भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव और अशोक गहलोत समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने दुख जताया है। उनके निधन पर 26 और 27 अप्रैल को राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। आज सुबह 10 से 12 बजे तक प्रकाश सिंह बादल का मृत शरीर पार्टी ऑफिस चंडीगढ़ में सेक्टर 28 में लाया गया, जहां पर लोगों को दर्शन करवाए गए, जिसके बाद अंतिम यात्रा चंडीगढ़ से शुरू होकर गांव बादल तक निकाली गई। ये यात्रा राजपुरा, पटियाला, संगरूर, बरनाला, रामपुरा फूल और बठिंडा से होते हुए बादल गांव पहुंची। इस अवसर पर सभी राजनीतिक पार्टियों के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। गौरतलब रहे कि स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल का अंतिम संस्कार 27 अप्रैल दिन वीरवार को दोपहर 1 बजे गांव बादल में किया जाएगा। विस्माद विच विस्मादी विस्माद विच कुदरत कादर नो कुर्बाना लेप अलेप सोई निर्वाणा सदा निर्वाणा सदा निर्वाणा लेप अलेप सदा निर्वाणा सदा निर्वाणा सदा निर्वाणा कारण करता जो करे कारण करता जो करे सिर तर मन करे शुकराना करे शुकराना सिर तर मन करे शुकराना करे शुकराना कारण करता जो करे कारण करता जो करे राजी होए राजाए विच दुनिया अंदर जो मेहमाना दुनिया अंदर जो मेहमाना दुनिया अंदर जो मेहमाना जो मेहमाना दुनिया अंदर जो मेहमाना जो मेहमाना कारण करता जो करे
कारण करता जो करे, कारण करता जो करे, कारण करता जो करे। जन्म रतन जिन्नी खटिया पले से बन जा, जन्म रतन जिन्नी खटिया पले से बन जा रे, बन जा रे रतन जिनी खटिया पले से बन जा। सरदार प्रकाश सिंह बादल जड़े पंजाब दे एक वाहद जा कह दिए कि पंजाब दे नहीं पूरे भारत दे एक बहुत बड़े सियासी आगू सन, उन्हों का कल परमेश्वर के हुक्म दे विच चलाना हो गया। बड़ा दुख है, अकाली सियासत दे एक होर युग का अंत हो गया। उन्होंने जाना पंजाब लई पंजाबियों लई बड़ा घट बंद, उन्होंने जमीन ते रह के लोगों नाल जुड़ के सियासत की, पर अजिहे सियासतदानां दी अज पूरे भारत के अंदर ही कमी। देखो सर, प्रकाश सिंह बादल जी का चले जाना मैं समझता कि बहुत वड्डा दुख भी है घाटा भी आ, क्योंकि बड़ा लंबा समा उन्होंने देश की सेवा की, पंजाब की सेवा की, लोगों की पंजाब के लोगों की सेवा की, राजनीति में रहे ने, देश की आजादी तो पहलों तो लैके हूँ तक का सारा समा उन्होंने देखा वा। सो सानू भी उन्होंने काम करने का मौका मिले, दो बार मैं MLA रहा उन्होंने नाल विधानसभा के, ईवन जदों की होश संभाली उदों तो उन्होंने नाम सुनते आ रहे हैं। सो उन्होंने बड़े वड्डे गुण सीगे कई, है ना, एक तो निम्रता सी, हलीमी सी, समय के पाबंद सीगे। सो चाहे कोई छोटा चाहे कोई वड्डा हरेक दिन सत्कार नाल गल करते। कि चीज़ा उन्होंने ऑब्जर्व कीतियां सीखियां? देखो उन्होंने तो सीखने की कोशिश तो बहुत की है, सब तो पहले निम्रता ही लाओ, फिर समय के पाबंद रहने की कोशिश करते हैं, उन्ना वर्गे तो नहीं लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं असं। सो उन्होंने ये वड्डे गुण सीगे वो ले गई है, और मेरे बापू जी के होरां दे बहुत परम सत्कार योग मित्र से, और मेरे माता जी दे जदों भोगदे उत्थे आप आके तशरीफ फरमा होए, मैं वो दिन नहीं भुल सकता, क्योंकि हर दुख सुख दे विच पहुंचना ये बादल साहब ही जानते सी, उन्हां तो ही शुरू होया कि किसी के भी दुख सुख अफसोस दे विच जाना ये उन्होंने शुरू किया, और संगत दर्शन भी उन्होंने होंदे सी, क्योंकि वो अपने जदों भी एक लाउंदे सीगे ना बाहर निकलते सीगे सारे लोग जिन्हें भी बैठे होंदे सी उन्होंने दर्शन करते करते सी, तो ये उन्होंने शुरू कीतियां सी। उन्होंने देना मेरा ख्याल है पंजाब दे विच उन्होंने जिहड़ी सियासत है वो सिरमौर नाम आउंदा है, इंडिया लैवल तो भी बहुत वड्डी गल है कि बहुत वड्डे महा जिहड़े पॉलिटिशियन होए हैं उन्होंने विचों एक एक उन्होंने विचों एक बादल साहब। मैं जिक्र कर रहा सी मेरे माता जी के भोग दे उत्ते आए से, मेरे पिता जी के बहुत प्यारे दोस्त सीगे, और मैनू अपने याद है कि जदों मैं कॉलेज में पढ़ता सी मलोट, और उस वेले जदों तकड़ी निशान लैके प्रकाश सिंह बादल जी आए से, मैं तकड़ी के उत्ते बकायदा पूरी कविता लिखी सी, और पोस्टर भी असं अपने हाथी लाते रहे उदों, ये बहुत पुराने पहले जो मैं तो वही दस रहा, मैं क्या ऐसी शख्सियत नहीं होनी दोबारा। देखो टाइम टाइम की गल होंदी है, पर ये दो राय कोई नहीं है कि प्रकाश सिंह बादल जी दे वर्गे लीडर, कैप्टन साहब वर्गे लीडर बहुत अच्छी साफ सुथरी सियासत करते सी, ठीक है सियासती विरोधी होंदे सी उदों दबके करते थे विरोध एक दूजे का, पर जिहड़ा परसनल रिस्पेक्ट सी वो जरूर सी। मैडम दुख सुख वेले कई बार आप देखिए कि बादल परिवार और तुहाडा परिवार इकट्ठे बैठते रहे हो,
कोई याद तुहानू आंदी होवे किसी कोई गल इहो जी प्रकाश सिंह बादल उन्हां दी जिहड़ी तुहानू अज याद आ रही होवे उन्हां दी देहांत तों बाद? देखो सब तो वड्डी गल है कि कोई भी जांदा उन्हां दे कने बहुत वधिया तरीके नाल मिलदे सी, प्यार नाल मिलदे सी, गल सुनदे सी। अद्धी गल तां अच्छे सियासतदान दी, अच्छे इंसान दी यही हुंदी है। फरीदकोट शहर में अभी भी गुंडागर्दी का बोलबाला है, जिसका ताज़ा मामला न्यू डोगर बस्ती की गली नंबर 24 में देखने को मिला, जहां कुछ नौजवानों की ओर से पूर्ण कुमार नामक रेड़ा चालक से हेरोइन खरीदने के लिए फिरौती की मांग की गई, लेकिन पूर्ण कुमार की ओर से रुपए देने के लिए इनकार करने पर चार पांच नौजवानों की ओर से रात लगभग 9:30 बजे पूर्ण कुमार के घर किर्च और किरपाल लेकर मारने के इरादे से पहुंच गए। इस बात की जानकारी मोहल्ला निवासियों पूर्ण कुमार और उसके पिता महेंद्र सिंह की ओर से पत्रकारों के साथ साझा की गई। इस बारे में मोहल्ला निवासियों ने कहा कि उनके मोहल्ले में अक्सर वारदातें होती रहती हैं, तो वहीं दूसरी ओर मोहल्ला निवासियों ने पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़े किए हैं। वही जब इस मामले संबंधी थाना सिटी प्रभारी गुरविंदर सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि दो नौजवानों को पकड़ा गया था जिनकी जमानत हो चुकी है और बाकी के नौजवानों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। फरीदकोट से हलचल के लिए गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। ਮਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ ਕੀ ਵਾਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਗਏ ਆ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਗੇਟ ਬੰਦ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਖੜਕਾਇਆ, ਮੰਤਰੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਦੇ ਪੁੱਠ ਪੈ ਗਏ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਫਾਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖਾਓ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਵੜਦੇ ਨੇ ਦੇਣ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੜਨ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਘਰੇ ਮਿਲੇ, ਆਹ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਦੋ ਜਣੇ ਆਓ, ਆਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ। ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਬੁਲਾਈ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਬੰਦੇ 57 ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਰਾਤੀ, ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 57 ਕਰਾਈ। अमृतसर के रानी का बाग स्थित उपल न्यूरो अस्पताल एवं मल्टी स्पेशलिटी सेंटर में स्पेशल बच्चों के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर का शुभारंभ ऑल इंडिया पिंगलवाड़ा सोसाइटी के संरक्षक एवं अध्यक्ष डॉक्टर इंद्रजीत कौर द्वारा किया गया। इस अवसर पर अस्पताल द्वारा स्पेशल बच्चों के लिए 3 दिवसीय निःशुल्क चेकअप कैंप का भी आयोजन किया गया। इस मौके पर डॉक्टर इंद्रजीत कौर ने कहा कि उपल अस्पताल द्वारा इस चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर की शुरुआत की गई है, ये बहुत ही सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि देश में ऐसे बच्चों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, इसके बहुत से कारण हैं जिसमें एक मुख्य कारण हवा और पानी में यूरेनियम की मात्रा में बढ़ोतरी भी है। उन्होंने कहा कि शुरुआत में ही बच्चे के असामान्य व्यवहार को समझकर इसका इलाज शुरू कर दिया जाए तो 80% तक स्पेशल बच्चों को ठीक किया जा सकता है। इस अवसर पर अस्पताल के संस्थापक डॉक्टर अशोक उपल ने कहा कि हर 100 बच्चे में से एक बच्चे को ऑटिज्म होता है, ऐसे लक्षण दिखने पर विशेषज्ञ डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। लोग पंडर सिंह वालों बहुत बड़ा उपराला किया गया न्यूरो सेंटर वालों के, जड़े बच्चे जड़े जड़े बच्चों को लोड़ है ट्रीटमेंट की, ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी है, जी थ्रिस्पी थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, सब तरह दिया सेवा इतने उपलब्ध हो गए और बच्चे काफ़ी जड़े ने ठीक हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऑटिस्टिक वाले तो बहुत फर्क पै जाता है, नॉर्मल वांगू हो जाते हैं, तो डाउन सिंड्रोम वाले भी बहुत सीख जाते हैं, काफ़ी कुछ सीख जाते हैं। साडा तजर्बा है पिंगला संस्था में कि साढ़े को जो हम बच्चे ने जलों का असं स्पैशल स्कूल शुरू किया उन्होंने बच्चों से बड़ी इंप्रूवमेंट है, तो इस तरह ही इतने भी काफ़ी लोगों को मदद मिलेगी। बीबी जी डॉक्टर इंद्रजीत कौर पैटर्न एंड प्रेजिडेंट ऑफ ऑल इंडिया पिंगलवाड़ा, जिस तरह उन्होंने दसिया है जिस तरह उन्होंने दसिया है कि अजकल ये ऑटिज़म डाउन सिंड्रोम यह बीमारियां है जड़िया के बढ़दिया जा रही, इन बीमारियों के नाल बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं, इस करके सानू इन्हां वास्ते इन्हां नू पढ़ाने लिखाने वास्ते स्पैशल एजुकेशन देने वास्ते इस तरह के बहुत सारे अदारे की जरूरत हैगी है। तो इस तरह फिर असी ये जिहड़ा हैगा जिस तरह
उपल चाइल्ड डिवेलपमेंट सेंटर जिहड़ा हैगा आ ये फिर असी शुरू किया और जी के अज बीबी डॉक्टर इंद्रजीत कौर जी ने अपने कार्यक्रमों के नाल इहदा उद्घाटन किया। अमृतसर की तहसील अचनाला के अधीन आते गांव जस का रहने वाला बुजुर्ग निर्मल सिंह, जिसकी उम्र लगभग 80 वर्ष की है, यह नौजवानों के लिए एक सबक बन रहा है जो कि मेहनत मजदूरी करने के लिए अपने गांव से शहर में साइकिल चला आता है। इतनी उम्र होने के बावजूद भी निर्मल सिंह दूर दूर तक साइकिल चलाकर चला जाता है। निर्मल सिंह मेहनत मजदूरी करता है और आप देख सकते हैं कि उसने साइकिल के पीछे ही कसी रखी हुई है और दिहाड़ी लगाकर वे अपना गुजारा करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि निर्मल सिंह के अंदर देश प्रेम का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ है। निर्मल सिंह ने नशे के खिलाफ एक मुहिम चलाई हुई है। निर्मल सिंह अचनाला से हर दिन काम की तलाश में अमृतसर आता है। उनका कहना है कि वह रोज 100 किलोमीटर के करीब साइकिल चलाते हैं। घर में उसके दो लड़के हैं जो अपना परिवार पाल रहे हैं और निर्मल सिंह की पत्नी उसके साथ रहती है। निर्मल सिंह की ओर से नशे के खिलाफ साइकिल यात्रा भी निकाली गई थी। उसने बताया कि वे यूपी, बिहार, दिल्ली सहित कई जगहों पर नशे के खिलाफ साइकिल यात्रा कर चुका है। यूपी सरकार की ओर से उसे प्रशंसा पत्र भी दिया गया था। उन्होंने बताया कि दिल्ली में कांग्रेस सरकार के समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी उन्हें बुलाया था और वे दिल्ली साइकिल पर 26 घंटों में पहुंचे थे, जहां उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा प्रशंसा पत्र दिया गया था। उन्होंने मीडिया को अपने सर्टिफिकेट भी दिखाए जो उन्हें अलग अलग राज्यों की सरकारों द्वारा दिए गए थे। 26 जनवरी को भी निर्मल सिंह को प्रशंसा पत्र दिया गया था। उन्होंने बताया कि उन्हें पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों द्वारा भी प्रशंसा पत्र दिए गए हैं। इस मौके पर समाज सेवक पवनदीप शर्मा ने भी निर्मल सिंह की प्रशंसा करते हुए उनके जज्बे को सलाम किया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। की नाम अपनी? निर्मल सिंह। निर्मल जी, परिवार च कौन कौन आ ते की काम करदे हो, किन्ना साइकिल चलांदे हो रोज? साइकिल 150 किलोमीटर। अच्छा जी, हां जी। ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ? ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਆ ਅਤੇ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿਹਨਤ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਗੱਡੀ, ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਪੁੰਡ ਦਾ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਮੈਂ ਜਨਾਲੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਜੌਂਸ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਤਰੇ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਨਾਲੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਇਹ 100-150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕ ਘੁੰਮ ਕੇ ਕੰਮ ਲੱਭਦਾ ਰੋਜ਼। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਰੋਜ਼? ਹਾਂ, ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚਲਾਇਆ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਿਆ? ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੈਨੂੰ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਇਆ? ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸਾਈਕਲ। ਕਿੰਨਾ? ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ? ਕੋਈ 26 ਘੰਟੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, 26 ਘੰਟੇ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ? ਹਾਂ, ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਦਿੱਲੀ? ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਰੇਟਰ ਪਾਉਣ ਗਿਆ, ਬਸ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੌਂਸ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਤ ਔਰ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ, 10-9 ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ 100-150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲ ਡੇਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਗਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਬਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੱਲੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦਿੱਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ, DGP ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇਹ ਮਿਲੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਸ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਡਿਗਨੇਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਰਾਇਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਕਲ ਜਾਗਰੂਕ ਰੈਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ, UP ਗਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया के 300 साला जन्म दिवस पर दिल्ली से चले नगर कीर्तन का फिरोजपुर में खालसा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और फिरोजपुर छावनी की संगत द्वारा भव्य स्वागत किया गया।
इस मौके पर फिरोजपुर छावनी के खालसा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सत्येंद्र जीत सिंह ने कहा कि जस्सा सिंह रामगढ़िया की 300 साल शताब्दी के मौके पर दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और शिरोमणि कमेटी द्वारा निकाला गया नगर कीर्तन जो कि दिल्ली से चलकर अमृतसर में संपन्न होगा। इस नगर कीर्तन का संतों ने जगह जगह लंगर लगाकर भव्य स्वागत किया है। उन्होंने बताया कि सुखमनी सेवा सोसाइटी और स्त्री सत्संग सभा द्वारा फूलों की वर्षा कर इस नगर कीर्तन का स्वागत किया गया। उन्होंने बताया कि नगर कीर्तन गुरुद्वारा जामिनी साहिब बजीतपुर में विश्राम करेगा और सुबह रवाना होगा। फिरोजपुर से हलचल के लिए मनजीत सिंह की रिपोर्ट। सरदार जस्सा सिंह रामगढ़िया जी की 300 साल शताब्दी को मुख रखते हुए जड़ा नगर कीर्तन दिल्ली तो चलिया श्रोमणी कमेटी के सहयोग नाल अज इत्थे पुज्या है जिदा के खालसा गुरद्वारा फिरोजपुर छावनी वालों संगतों वालों निघा स्वागत किया गया। उस उपलक्ष विच इत्थे चाह का लंगर वगैरह वरताया गया जी। सारिया ही सहयोगी जथेबंदियां श्री सुखमनी सेवा सभा सोसाइटी अते होर भी इसी सत्संग सभा सारे के सहयोग नाल उन्हां नूं जी आया आख्या गया अते निघा स्वागत किया गया। ये अज रात इत्थे साढ़े फिरोजपुर जामनी साहब वजीतपुर साहब इन्ह ने विश्राम करना है और कल सुबह इन्होंने इत्थों तलवंडी होकर लुधियाने पहुंचना है जी। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तला मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया जिसमें बाल व युवा गायकों ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर गायक विजय कौड़ा ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की जिसके बाद वीनू सहगल गोपाल पांडे बिनी सावरिया चंद्र कन्हैया डोली राजेश शर्मा और मीनाक्षी ने मां भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्र मुग्ध किया। इस दौरान कोषाध्यक्ष पविंदर बहल मंच संचालक बलदेव आनंद और रमन शर्मा रीटा शर्मा ने आई हुई भजन मंडलियों को मां की चुनरी देकर सम्मानित भी किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। जन्म जन्म दे मंत्र मुखा दे जन्म जन्म दे मंत्र मुखा दे जन्म जन्म दे मंत्र मुखा दे जन्म जन्म दे मंत्र then
और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का गत रात्रि हुआ निधन। पार्टी ऑफिस चंडीगढ़ से निकाली गई अंतिम यात्रा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी श्रद्धांजलि। फरीदकोट में कुछ नौजवानों ने रेहड़ा चालक से हेरोइन खरीदने के लिए मांगी फिरौती, पुलिस ने दो नौजवानों को किया काबू। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।